अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या कर रही हो? कौन बुलाया तुमको यहाँ? हमें खबर मिली है कि आपने वैकुंठ एकादशी का पूजा रखी है, तो हम सब चले आए। ऐसे भी हम सब उपवास में हैं, तो हमने सोचा कि आपके साथ पूजा का एक अलग ही फल मिलेगा और आनंद भी आएगा। सुमन दीदी, हमारे होते हुए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम है ना, हम सारा इंतजाम कर देंगे। क्यों बड़ी अम्मा? हाँ, तो हमें बताइए क्या करना है, हम सब कर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो आओ। हेलो। हाँ नंदिनी। सुमन, पहला क्लास है एनाटॉमी का है और शुरू ही होने वाला है। और तुझे पता है, वाइस प्रिंसिपल ने खुद मुझे बुलाकर कहा कि वो तुझे लेट एंट्री के लिए भी क्लास में अलाउ कर देंगे। पर ये चमत्कार हुआ कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन सुन, तेरी व्रत पूजा की तैयारी पूरी हो गई हो ना, तो तू जल्दी से घर से निकल और कॉलेज आ जा। ओके। सुरभिमा। हाँ सुमन। पूजा की तैयारियां बाकी सारी लड़कियां कर रही हैं, अब क्या हम कॉलेज जा सकते हैं? हाँ ठीक है, जाओ, यह हम सब देख लेंगे। थैंक यू सुरभिमा। जाओ सुमन, कॉलेज जाओ, तुम्हारा वहां ऐसा वेलकम होगा कि तुम कॉलेज के नाम से कांपोगी। गो एंड एंजॉय योर फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। जी दादाजी, जी मैं भी आ। अपने दोनों वचन को कैसे निभाया जाता है, कोई आपसे सीखे अंशुमन जी। सुरभिमा का दिया वचन हमारी रक्षा का, और दादाजी का वचन हमसे दूर रहने का, आप दोनों निभा रहे हैं। अंशुमन बेटा, वो जो हमारी दार्जिलिंग वाली संपत्ति है ना, उसे हमने बेचने का फैसला कर लिया। और ये जो सुल्तानगंज और भागलपुर को जोड़ने वाला नया हाईवे बन रहा है, उसके पास एक टाउनशिप डेवलप करने का फैसला लिया है। 1,000 acres जमीन भी फाइनल कर ली है। बस ये दार्जिलिंग वाला सौदा हो जाए तो ये काम शुरू करते हैं। लेकिन दादाजी, जिस प्लॉट को खरीदने की बात आप कर रहे हैं, उसमें काफी अलग अलग लोगों की जमीनें हैं। अगर कल को कोई उठकर खड़ा हो गया तो इस डील में काफी रिस्क है दादाजी। हमने फैसला कर लिया है, तुम पेपर्स तैयार करवाओ जल्द से जल्द, ठीक है? जी। आप निश्चिंत हो जाइए तानिया जी, मेरे बहुत सारे दोस्त और सीनियर स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में जो छात्र नेता बन चुके हैं, कॉलेज के अंदर सुमन की ऐसी व्यवस्था करवाएंगे कि दुनिया देखेगी। जरूर देखे, लेकिन याद रहे, दुनिया ऐसे देखे कि सुमन किसी को मुंह दिखाने के लायक न बचे। Da 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 da
विजय जी चाय। मैं बोला सिंह, हमारा इंट्रोडक्शन बस इतना सा है कि इस कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हम पिछले 5 साल से हैं। यहाँ का सभी लड़का लोग हमारा शिष्य है, कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकंड ईयर में, कोई थर्ड ईयर में, लेकिन सब है अपना चेला चमाटा। बोला भैया, ये हमको एकदम सही लग रही है। हमको तो लगता है सेकंड ईयर तक तो आपको पहुंचा ही देगी। हमको लगता है थर्ड ईयर भी क्रॉस करवा देगी। अबे चुप बकलोल, सर हम यहाँ 7 फेरों की सेटिंग में लगे हुए हो, तुम हमको फर्स्ट ईयर में अटका रहे हो। हम सुने हैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे हस्बैंड तो ना ऊपर की यात्रा में निकल लिए। तुम विधवा हो ना भाई, विधवा का तो उद्धार होना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं? हाँ भाई, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। हम तो कहते हैं आज ही कर दो। भाई दबे, यहाँ सब लोग हमको भैया कह के बुलाते हैं, तुम ना कुछ स्पेशल नाम दो हमको। क्या कह के बुलाओगी? अरे बोलो, क्या कह के बुलाओगी हमको? बोलिए ना, क्या बुलाएंगी आप मुझे? क्या बोलोगी? बोलो बोलो। भैया जी, हम बताएं आपको क्या बोलेगी? आपको बाबू जानू सोना बोलेगी। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम लोग और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राय बहादुर खानदान के परिवार की तरफ आंख उठा के देखने की? हिम्मत तो बहुत है हमारे अंदर, बहुत कुछ करने की। बस इस कॉलेज कैंपस का हम तो लिहाज कर रहे हैं। अच्छा, शायद तुम्हें मेरे अंशुमन भैया के बारे में नहीं पता। मैं सिर्फ एक फोन करूंगी और वो तुम्हें लिहाज और सलीखा सब सिखा देंगे। तुम सोच भी नहीं सकते कि फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। तो बुला लो अपने भैया को। ठीक है, भेजिए विश। नंदनी, अंशुमन जी को कॉल मत करो प्लीज। पर सुमन, नंदनी उन्हें इन सब में इन्वॉल्व मत करो प्लीज, हमारे लिए, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। हो गया फोन बोन? अगर हो गया हो तो अपने अंशुमन भैया की बहना से कहिए कि चुप बैठे। वैसे भी हम शादीशुदा लड़कियों के मुंह ही लगते। यूनिवर्सिटी के लीडर होने के नाते हम आपका वेलकम करने आए हैं। लगे हाँ सोचा कि विधवा पूर्ण उद्धार का कार्यक्रम भी कर डाले। देखो तुम ना, नंदनी हम बात करते हैं। आप इतने बड़े यूनिवर्सिटी के लीडर हैं और हम फ्रेशर के साथ ऐसे बिहेव करते हैं, ये है आपका फर्स्ट इंप्रेशन? हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमारी क्लास शुरू होने वाली, हमें जाने दीजिए प्लीज। अरे वाह केतारी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जरा दिखाओ माँ ने क्या बनाया मेरे लिए। केतारी, आज खाना सुमन ने बनाया क्या? जी भैया, सुमन दीदी सवेरे सवेरे खाना बना के गई है कॉलेज। जल्दी से हटाओ यहाँ से। मैं अंशुमन के लिए खुद अपने हाथों से खाना बना के लेकर आई हूँ। वैसे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब सुमन की लाइफ भी नॉर्मल हो गई है। आई मीन उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया है और घर वाले भी बहुत खुश हैं इस बात से।
एक्सक्यूज मी, आ जाओ जाओ जाओ। वैसे हम डॉक्टर बने या ना बने, लेकिन आपको हम जरूर बनाएंगे। ऐसे भी हमारी लव स्टोरी शुरू होने वाली है जल्दी। नंदिनी चलो। अबे कहाँ नाम बता रहे तुम लोग इस लड़की का? जरा विस्तार से बताओ ताकि इसका नाम ना हमारे कलेजे पे छप जाए। SUMAN सुमन। कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लगा जैसे खाना लग। मैडम जी चलिए इसमें से एक कार्ड चुनिए। क्यों? क्योंकि यही कार्ड तो डिसाइड करेगा कि हमारा तुम्हारा लव स्टोरी कितना चलेगा और कब तक चलेगा। अब भैया के जिंदगी का सवाल है ना। देखो हमसे दूर रहो वरना तुम्हारे इस कार्ड के चक्कर में तुम्हारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, समझे? अरे हम आपका भविष्य बनाने की बात कर रहे हैं और आप हमारा ही भविष्य खतरे में डाल रही हो। सच कहें तो खतरों से खेलने में ना हमको बहुत ही मजा आता है। देखो हम सीधे तरीके से समझा रहे हैं, समझ लो। हमें ऐसे परेशान करोगे तो परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना। हम वो लड़की नहीं है जो तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त कर लेंगे, समझे? ठीक है, तैयार है हम परिणाम भुगतने के लिए। शायद कुछ तो रिजल्ट आए। क्या पता इसी बहाने हम पास हो जाएं। भैया जी प्रिंसिपल आ रहा है, इसको तो बाद में देखते हैं, अभी चलिए यहाँ से। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, जल्दी ही मिलते हैं। क्या हुआ नंदिनी, सब ठीक है? कुछ नहीं भैया, सब ठीक तो है। वो तुमने कॉल किया था तो? वो तो गलती से लग गया था। क्लास खत्म हो गई ना? जी। तो चलो। नंदिनी तुम हमारे साथ चल रही हो या हम घर अकेले जाएं? मैं चलती हूँ तेरे साथ। भैया हम चले जाएंगे, आप परेशान मत होइए। हमने ये फैसला लिया है कि आज से सुमन और अंशुमन एक दूसरे से बात नहीं करेंगे।
नंदिनी और सुमन कुछ तो छुपा रहे हैं। सुमन ने मेरी लाइफ हेल बना के रखी, अब उसकी लाइफ कैसे हेल बनाना है ये हमें सोचना होगा। नीरू कहाँ रह गई? सुमन का इलाज भोला सिंह ही करेगा, आप चिंता मत कीजिए। क्या बात है, किसको किसका चिंता लगा है? कुछ नहीं माँ जी, वो तानिया जी ने अंशुल भैया के लिए खाना परोसा, लेकिन अंशुल भैया बिना खाना खाए ऑफिस से न जाने कहाँ चले गए। अब होने वाली पत्नी खाना लेकर नहीं जाएगी तो और कौन जाएगा? अब इस बात का जवाब तो छुटकी को देना पड़ेगा। नंदिनी, नंदिनी सच सच बताना, आज कॉलेज में क्या हुआ था? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे आ गई तुम दोनों। जी सर प्रीमा, पता है आज कॉलेज का दिन ना बहुत ही अच्छा रहा, हमने क्लास भी अटेंड किया, कुछ नोट्स भी बना लिए और जल्दी घर भी लौट आए। बहुत अच्छा किया, वैसे भी अंधेरा होने को है। कुछ तो हुआ है कॉलेज में, और जो कुछ भी हुआ है वो सुमन के साथ हुआ है, क्योंकि अगर नंदिनी के साथ कुछ होता तो सुमन पूरे कॉलेज को हिलाकर रख देती, वो नंदिनी के साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकते। लेकिन हुआ क्या है जानना बहुत जरूरी है। तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। सुमन बेटा, आज वैकुंठ एकादशी की पूजा भी करनी है। जी सर। अंशुमन, माँ, अंशुमन तुमने देखा, सुमन ने अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से की है। बेटा हमें लगता है अब तुम्हें भी अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं अपने बारे में क्या सोचूं? मेरे बारे में सोचने के लिए आप हैं, पापा हैं, पूरा परिवार है। आप सब जो भी फैसला लेंगे मैं उससे कभी इनकार नहीं करूंगा। बेटा तुम पे हम कोई रिश्ता थोपना नहीं चाहते और ना ही थोपे हुए रिश्ते को स्वीकार करना चाहिए, इसलिए हमें लगता है तान्या को समझने की कोशिश करो, उसे समय दो, उसके करीब जाओ। उससे ऐसे दूर भागते रहोगे तो ना ही तुम उसे समझ पाओगे और ना ही वो तुम्हें। ठीक है माँ, कोशिश करूंगा।
कैसे बताऊं मैं आपको, तानिया और मेरा कोई मेल ही नहीं है। ये बात पसंद नापसंद की नहीं, ये बात तुम उनके मिलने की है। मेरे दिल की असमंजस को कैसे समझाऊंगा। गुणी राजा सम प्रकार से अपनी प्रजा का ध्यान रखता था, लेकिन वो हमेशा व्याकुल रहता था क्योंकि भयानक स्वप्न उसे हमेशा डराते रहते थे। जब भी वह रात्रि में चिरनिद्रा में लीन होता था तो स्वप्न में देखता था कि यमदूत उसके पिता को नरक की यातनाएं दे रहे हैं, जिससे वो व्याकुल हो जाता था और उठ बैठता था। इसके बाद राजा ने वैकुंठ एकादशी का व्रत किया और अपने पिता को नरक से मुक्ति दिलाई। पुण्यात्मा की शांति के लिए, नरक से मुक्ति के लिए और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए वैकुंठ एकादशी का व्रत करना चाहिए। जिंदगी में जो तकलीफें हैं वो भी किसी नर्क से कम नहीं है। मैं हर हाल में सुमन को इन तकलीफों से बाहर निकाल के रहूंगा।